इंदौर में कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी अभी फिलहाल की स्थिति में फिर भी स्थिति जो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोग यहाँ पे मानते नहीं है, फिर भी लोग जो है घर से निकलने को आतुर रहते हैं, घर से निकलने को तैयार रहते हैं। लेकिन उनसे एक ही निवेदन है कि आप घर से ना निकलें, क्योंकि आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके परिवार का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे जो है हमारे पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, पुलिस पूरी मुस्तैदी से आपके लिए लगी हुई है, तो आप घर से ना निकलें, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो इंदौर में अभी फिलहाल संक्रमण फैल चुका है, लेकिन ये जो पुलिस के जवान हैं, ये जो योद्धा हैं हमारे कोरोना के, ये काफ़ी आपके साथ हाथ कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के यहाँ पे लगे हुए हैं। और आज हम थाना टिकोगंज में हैं, यहाँ पे हमारे साथ थाना प्रभारी निर्मल श्रीवास जी हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पे वैसे जो क्षेत्र है अपना, काफ़ी बस्तियाँ जो घिरी हुई बस्तियाँ, काफ़ी सघन बस्तियाँ हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे एक भी किसी प्रकार का पॉजिटिव मरीज़ नहीं मिल पाया अभी तक। तो क्या माने अपन के जो यहाँ की जो पार्टी है, यहाँ की जो टीम है, उनकी सक्रियता ही काम आई यहाँ पे? बिल्कुल सही है, लोगों की सक्रियता भी इसमें बहुत मायने रखती है, लोग इसको लेकर काफ़ी सक्रिय हैं और जागरूक भी हैं, और थोड़ी बहुत चहल कदमी या बोलें आना जाना तो करते हैं। उसको लेकर हम लोगों ने उनके खिलाफ लगातार प्रकरण भी कायम किए हैं, अपराध भी कायम किए हैं, और उनको स्पॉट पे कुछ पनिशमेंट भी देकर इस तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। सर क्या माने आपकी कि क्या होता है कि क्षेत्र में जो अच्छी जो बस्तियां हैं, जो बस्तियों में जो लोग रहते हैं, काफ़ी प्रकार की जो दूसरी घटनाएं भी यहां पे होती है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करती है आपकी पार्टी? जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रहरी मोबाइल भी बनाई गई हैं, और हमारी बीट मोबाइल भी हैं जो मोटरसाइकिल पार्टियों पर रहती हैं, जिनके पास मैनपैक सेट रहते हैं, तो ऐसे हमारे पास मॉर्निंग टाइम में 3 पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स रहती हैं, जो लगातार इनका मुख्य काम इन बस्तियों के अंदर गलियों में जहाँ पर 4-व्हीलर नहीं जा पाते, वहाँ पर लगातार सर्चिंग भी करना, लोगों को अवेयर भी करना कि वो घर के अंदर ही रहें, तो उसके कारण थोड़ा सा हमने इसको कंट्रोल में किया है, ताकि अन्य प्रकार की कोई अवैध शराब, जुआ, सट्टा, इस तरह की कोई भी गतिविधि ना हो, तो उसके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल, हमारा जो प्रहरी मोबाइल और बीट मोबाइल, ये लगातार पेट्रोलिंग में रहते हैं। लोगों का सर यहाँ पे देखा जाए तो लोगों का कितना आप लोगों को सहयोग मिलता है, क्योंकि क्या होता है बस्तियाँ होती है, समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, लोग बाहर इकट्ठा होते हैं, एक साथ बैठते हैं, लेकिन कितना आप लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बात समझ पाएँ? कई बार हम लोगों को थोड़ा बहुत सख्ती भी बरतनी पड़ती है, कई बार हम उनको बड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से भी समझाते हैं, और अपनी पेट्रोलिंग मोबाइल में जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम रहता है उसके थ्रू भी लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं, और उसकी जो भयावहता कोरोना की उसके बारे में बताते हैं, तो इस कारण से लोगों में धीरे धीरे उस चीज़ को पालन करने की जागरूकता आ गई है लगभग। सर फिलहाल वैसे तो पुलिस काफ़ी लगी हुई है, एक युद्ध के समान ही इस चीज़ को देखा जा रहा है, लेकिन आप भी रहते हैं फील्ड में, आप किस प्रकार से आपका भी ध्यान रखते हैं, आपके परिवार का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये एक संक्रमण है, ये पता नहीं पड़ता है जब तक कि कब लग गया, कब व्यक्ति इससे इफेक्टेड हो गया, तो आप कितना कोशिश करते हैं कि आप आपके घर पे जाके या आप उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके? सर जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसा निर्देशित सभी को किया गया था कि सभी लोग अपने परिवार से अभी दूरी बनाकर रखें कुछ समय के लिए, जब तक कि ये महामारी फैली हुई है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने अभी लगभग हमारे स्टाफ के मैक्सिमम लोग अभी फील्ड में से सीधे अपने होटल में या जहां उनकी रुकनेवाने की व्यवस्था की गई है लॉज में, वो वहां जाके रहते हैं, अपने परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। मैं भी लगभग पिछले कई दिनों से अपने परिवार से दूर रह रहा हूं, और केवल मात्र परिवार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन वोजन के लिए ही जाना हो पता, अदरवाइज़ परिवार से दूर ही हैं, और इस संबंध में लगातार स्टाफ को भी समझाई दी जा रही है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर एक बात और है कि ये जो लोग हैं अभी फिलहाल की जो स्थिति है काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि जो कोरोना के जो संक्रमण का जो मरीज़ है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपकी तरफ से इंदौर के जो लोग हैं, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, उनको क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से कि किस प्रकार से खुद का और परिवार का ध्यान रखें? मेरी अपील यही रहेगी कि जो सोशल मीडिया पर और जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं, जिस हिसाब से जो पॉजिटिव नेगेटिव की जो हमारे पास डेली आंकड़े आ रहे हैं, उसको इस हल्के में ना लें कि हमारे पास अब पॉजिटिव संख्या कम हो रही है तो अब स्थिति, अभी भी स्थिति उसी तरह से है जैसी पूर्व में है, लगातार इसका पालन करें जिस तरीके से अभी तक करते आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको हल्के में लेंगे तो हो सकता है कि उसका हमको परिणाम भुगतना पड़ सकता है, गंभीर परिणाम। ये थे हमारे निर्मल श्रीवास जी, थाना तुकुगंज के प्रभारी हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि जो लोग हैं वो अभी भी जो है मानते नहीं हैं कि ये जो लोग हैं
किस प्रकार से अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी जो स्थिति है अभी फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है इंदौर की, फिर भी स्थिति इस प्रकार की है कि धीरे धीरे जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसके बाद भी लोग है समझने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से लगी है। ये हमारे योद्धा हैं, ये अपना जो है बलिदान देने के बाद भी ये देखते नहीं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे नौकरी करते, क्योंकि इनका परिवार है, इनका भी घर है, ये उस घर और परिवार को छोड़ के यहाँ पे लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।